अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। जैसा कि आप लोगों ने देखा था लास्ट व्लॉग में, मैंने ये फैब्रिक लिया था फॉर रिक्रिएशन में। एक ड्रेस रिक्रिएट करी थी, मुझे ऑर्डर मिला था उसका। उसकी सारी चीज़ें जो हैं अब ओपन करते हैं, उसको बनाना जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से मैंने प्लेटेड फैब्रिक लिया था। उसके लिए जिसने पार्ट वन नहीं देखा वो देख ले, उसको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये सारी फैब्रिक की डिटेल थी, जिसमें लेस थी, प्लेन शिफॉन का फैब्रिक था, स्लिप थी, और ये प्लेटेड फैब्रिक था फॉर फ्लेयर। तो अब इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो इसकी कटिंग का है। तो इसको बहुत केयर से कटिंग करना है, क्योंकि प्लेटेड फैब्रिक है, इसको खींचना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसकी विड्थ जो थी मैंने उतनी रखी है, और इसकी लेंथ बस मैं इसकी अकॉर्डिंग टू लाइक साइज़ में कर रही हूँ, और उसको ध्यान से निशान लगा के, और फिर मैंने उस तरह से इसकी लेंथ जो है वो सिर्फ सेपरेट की है। और ये लाइक 3.5 यार्ड मैंने कपड़ा लिया था, 3.5 गज़। तो उसका हाफ़ मैंने किया, हाफ़ फ्रंट पे और हाफ़ बैक उसकी कर ली मैंने फॉर लाइक विड्थ, और लेंथ जो है वो फिर मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग उसकी कर ली। उसके बाद जो प्लेन शिफॉन का फैब्रिक था उसकी बनानी थी हमने बॉडी। तो उसके लिए मैंने उसको कट किया और उसको प्रेस किया अच्छे से और पिनअप कर लिया, क्योंकि बहुत पतला फैब्रिक था तो बहुत ज़्यादा स्लिप होता है। पिनअप कर लेने से ये होता है कि कपड़ा जो है वो आपका बार बार हिलता नहीं, क्योंकि स्लिपरी कपड़ा होता है, जब आप निशान लगाते हो तो वो बार बार स्लिप होता है। तो पिनअप के बाद मैंने इस पर सारी मार्किंग की अकॉर्डिंग टू माई साइज़, और फिर मैंने इसकी कटिंग कर दी। और कटिंग करने के बाद मुझे इसकी स्लिप को इसके साथ अटैच करना था। तो वो भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ, ईजी वे में किस तरह से कटिंग की जाती है। तो मैंने फिर पिनअप्स इसकी हटाई, स्लिप का कपड़ा जो है वो मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद ये वाला फैब्रिक जो मैं कट कर चुकी थी, बॉडी की फ्रंट या बैक कोई भी एक पीस लेके आपने इसके ऊपर रखना है और उसको पिनअप कर लेना है सारा, और फिर इसकी रफली एक कटिंग करनी है। पिनअप अच्छे से करना है ताकि कोई झोल वगैरह ना आए। इस तरह से ये होता है कि बहुत जब पतला फैब्रिक हो तो इस तरह से स्लिप काट लेना ईजी रहता है लगाना, उसमें एक तो झोल भी नहीं आती, एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं वो हो जाता, और आराम से आप स्टिच भी कर लेते हो इस तरह से। फिर इसके सारे किनारों पे आपने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको जो है हम नीट कटिंग कर लेंगे। तो ये इसी तरह मैंने फ्रंट और बैक को इस तरह से स्लिप अटैच की, पिनअप मैंने दोनों को कर लिया था एक साथ। और थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये कि जब आप स्टिच करते हो तो आपको काफ़ी आसानी हो जाती है उसके लिए। और फिर इसके बाद इसकी सारी साइड से आपने नीट कटिंग कर देनी है, क्योंकि बॉडी की कटिंग हुई होगी एक कपड़े की, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसके साथ कट कर सकते हो। उसके बाद इसके ऊपर लेस से डिज़ाइन लगाना था, तो मैंने इसको प्रेस किया, पहले निशान लगा लिए कि कहाँ कहाँ लेस लगानी है, फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग इस पर लेस लगा दी। उस पर ये था कि 2 पैनल्स जो हैं वो फ्रंट पे थे इस तरह से जो मैंने लगाए हैं, 1 और 2 पे। इसके ऊपर एक लेस थी नेक लाइन की, नीचे नेक पे भी लेस थी, वो मैं पहले ही लगा चुकी थी। और इस तरह से मैंने जो नीचे वाली लेस थी वो बाद में लगाई आफ्टर लाइक फ्लेयर जोड़ने के बाद। और उसके बाद इसकी प्लीट्स डालनी थी, और इसको मैंने प्लीट्स इस तरह से डाली कि लाइक ये पहले से ही प्लीटेड फैब्रिक है एक तो। दूसरा ये कि इसको थोड़ा सा हम फिर रुख भी चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर जो इसकी प्लेट बनी हुई थी उसी को मैंने डबल डबल करके तो इसकी जो है वो प्लेट्स डाल दी, क्योंकि ये ऐसा फैब्रिक है आप इसको खोलोगे तो ये खुल जाएगा, लेकिन जब आप इसको छोड़ोगे तो ये बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा जिस तरह से पहले से था। तो इसलिए इसका कम फ्लेयर तो मैं रख नहीं सकती थी, वो बहुत ज़्यादा बॉडी के साथ फिर वो चिपका हुआ बुरा लगता, तो इसलिए ऊपर से फिर इस पर मैंने प्लेटेड डाली अलहदा से, ताकि इसका फ्लेयर जो है वो अच्छा रहे और बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा फैब्रिक चिपके भी ना और बुरा भी ना लगे, क्योंकि कम फ्लेयर में ये बहुत बुरा लगेगा। और इसके बाद इस तरह से मैंने इसकी सारी प्लेटेड डबल डबल करके लगा दी, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। और फिर इसके ऊपर लेस जो है वो बाद में लगाई मैंने। लेस लगाने के बाद इसको मैंने फिर साइड्स से जोड़ा, स्लीव्स लगाए। स्लीव्स मैंने थोड़े से चेंज बनाए थे इसके, क्योंकि दूसरे वाले स्लीव्स बहुत सिंपल थे, वो मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। और ये आप लोग देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। स्लीव्स मैंने इस तरह से इलास्टिक वाले बनाए, ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और इसके नेकलाइन पे लेस है, और इस तरह से आगे से डिटेलिंग इसकी लेस के साथ ही है। और इसकी फ्लेयर ये वाली प्लीट्स आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसको डबल डबल करके लगाया कि वो बुरी भी ना लगे और वो फ्लेयर भी हमारा ज़्यादा हो जाए। तो इसका फ्लेयर आप लोग चेक कर सकते हो, इसका काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर है, इसको जब मैं छोड़ूंगी तो बिल्कुल मतलब उसी तरह पतला सा सीधा सा हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये डिज़ाइन रिक्रिएशन जो मैंने की है वो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको किसी ड्रेस की रिक्रिएशन करवानी है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग मेरे साथ। आई विल मेक देम। और उसके बाद फिर मैंने इसको पैक किया क्योंकि कस्टमर को डिलीवर करना था, और कस्टमर के रिव्यू और उसकी पिक्चर्स में इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो डाल दूँगी पार्ट 3, तो उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये पहना हुआ कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं इसको पहन तो नहीं सकती थी, ये किसी का फ्रॉक था। तो आई होप कि आपको ये सारा अच्छा लगा होगा। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।